रामपुर बघेलान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा लंबे समय से विधायक प्रतिनिधि रहे विद्याधर तिवारी से मुलाकात कर आवश्यक जानकारियां लिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से भाजपा की वरिष्ठता वीडी तिवारी जी एक प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं। इनकी वरिष्ठता अगर देखी जावे तो बहुत आगे है मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री हर्ष नारायण सिंह जी के समय से। आज उन्हीं के पुत्र वर्तमान विधायक विक्रम सिंह विक्की भैया के कार्यकाल में भी आप वर्तमान समय में विधायक प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हुए माननीय प्रतिनिधि कहा कि वर्तमान भाव घरेलू चुनावों का आ गया है, जिसमें हम भाजपा कार्यकर्ताओं का योगदान चुनाव में प्रमुख रूप से होता है, जैसे कि नगर पंचायत तथा ग्रामीणों में जनपद पंचायत ग्राम पंचायत प्रमुख योगदान होता है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो हमको आदेश मिलेगा उसका पालन करूंगा। कुछ और प्रश्नों के उत्तर उन्होंने बड़े भावुक होकर के जिए। एक प्रश्न पूछा गया कि आपके परिवार से इतनी घनिष्ठा चार पुस्त से क्यों है। उन्होंने कहा, आप विश्वास ईमानदारी लगन निष्ठा यही सब काम करने के लिए ईमानदारी दर्शाती है। मेरे पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह जी के परम हितेशी थे, जो आज वही पथ प्रदर्शक रास्ते पर। मैं भी पूरे ईमानदारी से इनके परिवार से आस्था रखता हूं। जो भी हमको विधायक प्रतिनिधि का कार्यभार दिया गया है उसमें हम जनता की सेवा कर कार्य करते हैं। सतना एमपी न्यूज कास्ट चैनल से ऋषिकेश त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। प्रयास करता हूं कि भैया जी के पास जाए, है ना। और मान लीजिए भैया जी के अनुपस्थित में कोई भी व्यक्ति क्षेत्र का यदि आता है, जित माने रेवेन्यू से संबंधित, बिजली से संबंधित, थाना से संबंधित, जैसा जो विभाग से संबंधित आता, प्रयास करता हूँ कि इनका काम जैसे भैया ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं, उसी तरह से मैं भी उनकी मदद करता हूँ। और ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की मदद करने से इसको चार पैसे की कहीं कोई माने खर्चा न करना पड़े, कोई लेने न पाए, ये हमारा काम है। जन सेवा में हम लोग देखते हैं इतनी भीषण गर्मी चल रही है। आपको मैं संवाददाता सुधाकर त्रिपाठी, जिला सतना। आज हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता विद्याधर तिवारी और समाज सेवी विद्या तिवारी जी रूबरू हुए हैं। तिवारी जी कुछ आवश्यक जानकारियाँ चैनल के माध्यम से हम लेना चाह रहे हैं। तिवारी जी ये बताएं कि वर्तमान समय में आप इतने वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, वर्तमान समय में जो चुनाव प्रक्रिया इस समय मध्य प्रदेश शासन ने चालू किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें थोड़ा जनता हित का कुछ आवश्यक जानकारियाँ बताएं, कैसे क्या चुनाव हो सकता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, जैसा भी होगा, निर्वाचन आयोग उसे आदेश पालन कर रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि चुनाव आने वाले समय में जल्दी जल्दी मध्य प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों के हो सकते हैं। अच्छा, माननीय आपसे हम ये जानना चाहते हैं, इतनी वरिष्ठता आपके पास भाजपा में है कि आप मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री हर्ष नारायण सिंह जी और वर्तमान विधायक विक्रम सिंह जी के भी अभी आप प्रतिनिधि हैं, तो पार्टी स्तर में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, क्या है कि हमारे मंत्री जी का विशेषाधिकार था तो उन्होंने हमें प्रतिनिधि अपना नियुक्त किया, है ना, और उसका मैंने पालन किया कि प्रतिनिधि का काम जो भी होता है उनके न रहने के बाद बड़े निष्ठा और ईमानदारी के साथ। और इसके बाद मंत्री जी अस्वस्थ हो गए और हमारे मंत्री जी के बड़े पुत्र माननीय विक्रम सिंह जी विक्की भैया रामपुर से निर्वाचित हुए अच्छे मतों से, और उन्होंने अपने विशेषाधिकार से हमें फिर से प्रतिनिधि बनाया है। इसके लिए अब हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं उनके लिए, माने हैं। और ये है कि हम उस परिवार के लिए निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जहाँ भी जैसा लगता है कि यहाँ गड़बड़ हो रहा तो विधायक जी को भी बता देते हैं कि भैया यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ ठीक हो रहा है। ये हमारा जो उस परिवार में लगाव और प्रेम है उस परिवार के प्रति, अब क्या बताएं। निष्ठा और ईमानदारी शब्द जो आप बोल रहे हैं, हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आपकी चार पुस्तों से हर्षनाथ सिंह जी के परिवार, माननीय गोविंद सिंह जी जो मुख्यमंत्री भी थे,
आपके पिताजी वीरराज वैद्य थे और आपका भी इधर 2500 वर्षों से लगातार सेवा भाजपा के में रहते हुए और इनके परिवार के प्रति इतनी ज़्यादा आत्मीयता है, इसका क्या कारण है थोड़ा बताएं। देखिए कारण मैं आपसे बता दूं, मेरे पिताजी तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री गोविंद नारायण सिंह जी के बड़े नज़दीकों में माने जाते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी जब क्षेत्र में जाते थे तो हमारे पिताजी को लेके हर गांव जाते थे और बड़ा सम्मान था और वो प्रस्तावक भी बनते थे। जब भी चुनाव आता था तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावक बनते थे और मैं राजनीति में जब से आया हूँ तो मैं 25 साल लगभग 28 साल हमारे पूर्व विधायक प्रभाकर सिंह जी के साथ हमारा जीवन 26 साल गुजरा है। इसके बाद माननीय हर्ष नारायण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और यहाँ पे हमारे शिवराज सिंह रामपुरा करके उनको माननीय हर्ष नारायण जी को सदस्यता दिलवाई। इसके बाद माननीय हर सिंह जी को टिकट मिली और सारी भाजपा नंगा नाची, क्योंकि उनके आने से यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बिखराव हो गया और मैं माननीय प्रभाकर सिंह जी को छोड़कर माननीय हर्ष सिंह के प्रचार में निष्ठा और ईमानदारी के साथ ताकत के साथ मैंने प्रचार किया और हो गया। संयोग ऐसा था कि पूरी भाजपा विरोध की और कुछ कारण बस थोड़े से वोटों में तिवारी जी ये बताए कि आप हर्षनाथ सिंह जी भी मंत्री थे और वर्तमान विधायक विक्रम सिंह भी विधायक हैं, विधायक प्रतिनिधि भी आप वर्तमान समय में हैं और हर्षनाथ सिंह जी जमाने में भी थे, ये बताएं कि आपको प्रतिनिधि के नाते क्या क्या अधिकार दिया गया। सारे अधिकार बिक्की भैया ने हर विभाग में लिख कर दे दिया है कि पंडित जी जो भी कहेंगे आप मेरे बाद पंडित जी जैसा भी कहेंगे आपको सुनना पड़ेगा करना पड़ेगा, ये मानिए कि मैं कह रहा हूँ, ये उनकी बड़ी भारी मानता है। और हमें ऐसा लगता है हर जगह, एक तो मैं कहीं किसी का विरोध नहीं करता, किसी विभाग में हस्तक्षेप नहीं करता, जहाँ गड़बड़ होता है वहाँ पे हमारी आदत है बोल देने की और लड़ जाने की। देखा जा रहा है ऐसे कि आप